तो दोस्तों आज हम सीखेंगे ये सेवैयाँ खीर बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम खांड ली है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं आपको ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है तो। और यहाँ पे ये एक पैकेट यहाँ पे सेवैयाँ खीर ली है, और यहाँ पे ये एक लीटर जैसा दूध है यहाँ पे फ्रेश लिया है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने इलायची भी ली है, तो इस तरह आप देख सकते हो इलायची भी ली है। तो कैसे बनाना है सेवई खीर सब कुछ दिखाऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में यहाँ पे आपको दूध गर्म करने के लिए रख देना है, और यहाँ पे आपको खांड भी डाल देनी है, और यहाँ पे आपको उसको गर्म करना है। अच्छे से उबाल आने के बाद आपको यहाँ पे आपको सेवई डाल देनी है। तो पूरी रेसिपी देखते रहिए। यहाँ पे मैंने पहले ही इलायची डाल दी है। यहाँ पे आपको 4 से 5 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पे आपको ये उबाल आ जाएगा एक बार। तो फिर आपको यहाँ पे आपको अच्छे से दूध को गर्म होने देना है। तो बाद में आपको यहाँ पे अच्छे से पकाना है। आपको 4 से 5 मिनट अच्छे से पकाने के बाद आपको खीर डालना है। यहाँ पे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मैं आधी ही सेवी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे तो बराबर उबाल आ चुका है। 4 से 5 मिनट आपको पकाना है। इस तरह से यहाँ पे आपको चूर के डाल देना है, मतलब तो सेव को डाल देने के बाद आपको फिर से 4 से 5 मिनट हलाते रहना है कोई भी चम्मच से। या तो यहाँ से जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे आपको 4 से 5 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे आपको ये इस तरह का कुछ यहाँ पे अब घट होने लगी है। खीर हमारी तैयार होने जा रही है, मतलब आपको एक बार उबल लाने के बाद आपको सब कुछ डाल देना है, सेव और शुगर वगैरह इलायची वगैरह। और यहाँ पे आप काजू बादाम भी डाल सकते हो आप सजाने के लिए। तो इस तरह से कुछ हमारी यहाँ पे सेव की खीर तैयार होने जा रही है। तो इस तरह से सेव की खीर बनाते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, 2 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे वीडियो में देखते रहिए कि सेव तैयार हो चुके हैं हमारी। अब ये यहाँ पे अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पे सेव यहाँ पे पूरी घट हो जाएगी। आप जब खीर को ठंडे होने देंगे तब यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी खीर बनके रेडी हो चुकी है।